And those who are not able to crack this paper for long period of time, दो attempt, तीन attempt, ये जो पहली बार भी करें, guys सिर्फ इन topics को, इन questions को, especially इन questions को अगर आप on tip कर लेते हो, there will be no doubt that you're going to crack this paper easily. The very first thing जो आप लोगों को clear करनी है regarding this particular paper, BG 106, understanding poetry. सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, पहले के लिए रहता हूं, दोबारा रिपीट करूंगा इस चीज को, प्लीज डोंट गो फॉर अ पासिंग मार्क्स. अगर आप में से कोई भी बच्चा ये सोच लेके चल रहा है दैट आई जस्ट वांट द पासिंग मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर, तो मैं श्योरिटी देता हूं भाई वो पास नहीं होगा. देखो किसको बुरा लगता हो, आई डोंट केयर, सीरियसली आई डोंट केयर, बिकॉज वेन यू गो फॉर जस्ट 40 मार्क्स तो 40 नहीं आते हैं. मैं 100 के लिए तैयारी कर रहा हूं, 100 थोड़े आएंगे भाई, 80 टू 90 के बीच में कहीं रिलाई करूंगा, हो सकता है 95 आने, किस्मत बहुत अच्छी तो 100% आंसर सो आएंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम है वहां. तो अगर आपको चाहिए 40 तो गाइस यू नीड टू गो फॉर लीस्ट 60+, सो दैट देयर इज अ श्योरिटी दैट 40 45 50 आप लोग स्कोर कर लेंगे. एंड व्हाट आई वांट यू गाइस टू गो फॉर 70 टू 80 सो दैट यू कैन गो फॉर 60 65 सेटल आउट. तो यहां पे फिलहाल मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, इस नॉट मोटिवेशनल वीडियो, उसके लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मोटिवेशन चैनल है राहुल शर्मा मोटिवेशन वीडियोस, उसको क्लिक कर सकते हैं. लेकिन यहां मैं सिर्फ BG 106 के लिए आया हूं जो आपको क्लियर करना है. तो होमवर्क डेफिनेटली मैंने होमवर्क किया, मैंने सीरियसली काफी होमवर्क किया, क्वेश्चन तैयार किए, कुछ लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स मैंने पूरी तरह सब खोल दी, मतलब एक एक चीज को आइडेंटिफाई किया, क्या आ सकता है, कैसे आएगा, कौन सा क्वेश्चन करना है, कब करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा. देन आई कम टू द फाइनल कंक्लूजन, एक और एक 11 का सेकंड डाल के मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो देन 100% श्योरिटी कि हम कर लेंगे. द फर्स्ट थिंग जो आप लोग करनी इज दैट प्रोसोडिक फीचर्स. अब कई स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर प्रोसोडिक फीचर लास्ट 3 टाइम्स कौन से क्यों नहीं आया, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं आएगा ये श्योरिटी नहीं, क्योंकि डोमिनेंट क्वेश्चन है एंड आई रियली डोंट वांट यू टू टेक अ रिस्क कि उसको आप छोड़ दो. हार्डली 20 मिनट्स, 1 घंटा लगा लो, मैक्सिमम 1 घंटा लगे उसके कॉन्सेप्ट को समझने. प्रोसोडिक फीचर पूरा अच्छे क्लियर करना है, मेरी वीडियोज को देखना इसी चैनल पे, आपने जरा सब्सक्राइब करो, इजली आप उसे एक्सेस कर पाएंगे. जिन्होंने क्या हो, जिन्होंने नहीं किया कांट हेल्प इट यार, तो उसके चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आप इजी एक्सेस कर पाएंगे. तो वहां आप उस वीडियो को देख के आप पहले क्लियर करोगे प्रोसोडिक फीचर्स क्या होते हैं, उनके ऊपर काम कैसे करना है, हाउ वी गोइंग टू क्रैक दैट क्वेश्चन. द फर्स्ट थिंग प्रोसोडिक फीचर्स, यस द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर इज अ प्रोसोडिक फीचर्स. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए, क्या है एपिसोडिक फीचर, काम कैसे करेंगे, एपिसोडिक फीचर को कैसे ऑन टिप करना है, ये यहां क्लियर होता है. पहला क्वेश्चन कंफर्म आपको आना चाहिए दैट इज एपिसोडिक फीचर, आपने क्लियर कर लिया. कम टू द सेकंड पार्ट, जो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हो, सबसे ज्यादा ब्लंडर क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए, दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. आपने कहा आरटीसीज रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है सर, हाउ टू आइडेंटिफाई आरटीसीज, हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सर. इतनी सारी पोएट्री, पेपर का नाम ही अंडरस्टैंडिंग पोएट्री है, मतलब इट बिगिंस विद द अर्ली पोएट्स टू द इंडियन पोएट्स तक जाता है इतनी सारी पोएट्री. अगर एक ब्लॉक में बोलता हूं बहुत सारी पोएट्रीज हैं, मैं कैसे इन सारी पोएट्रीज को क्लियर करूं, पर हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट,
It's a tough task. Serious a tough task. How I am going to the master fall? Not a tough task. What you need to do? अगर आपको आर्टिस्ट को क्लियर करना है तो तरीका मैं बता रहा हूँ, फॉलो करो। मैं नहीं बोलूंगा इसके लिए वीडियो देखना, यही बता दूंगा मैं आपको। आर्टिस्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गो ब्लॉक वाइज। ब्लॉक वन से ब्लॉक एट है आपके पास, आप ब्लॉक वाइज जाएंगे। सेकेंडली पोइट कैरेक्टरिस्टिक्स, हर पोइट के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपको ऑन टिप ऑन चाहिए। एंड देन स्टोरी बिहाइंड द पोएम, हर पोएम के पीछे एक क्या होती है, स्टोरी होती है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसको आप अपने वर्ड्स में बोलते हो समरी, प्लॉट। Yes, you guys need to clear the story behind that poem. जहां वो क्लियर होती है आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हो उस टेस्ट को। सर ब्लॉक वन का एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे होली सोनेट्स दिए शेक्सपियर के, दो ही ज्यादा नहीं है, मिल्टन के दो होली सोनेट्स हैं, जॉन डॉन की पोएट्री, एंड्रू मार्वल की पोएट्री, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आठ टेस्ट हैं सीरीज, ज्यादा नहीं है। ब्लॉक टू बहुत ईजी, तीन से चार पोएट्रीज हमें क्लियर करनी। ब्लॉक थ्री में मैक्सिमम चार पोएट्री हैं जो हमें ऑन टिप करनी। वो मोर डिटेल लास्ट वीडियो को जरूर देखना, मैंने पोएट्री बताई थी कौन सी फॉर्म्स आपको करनी है फ्रॉम BG 106। अगर आप फॉलोअप करना चाहते हो सीरियसली, एक ही चीज को ऑन टिप करना चाहते हो, दो जो इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऑनलाइन सेशन, शुरू हो चुका है क्रैश कोर्स चल रहा है आपका BG 106 का, आप लोग ज्वाइन कर सकते टू क्रैक दिस पेपर इजिली। ये तो क्या हमारे दो पॉइंट कि हम कैसे क्लियर करेंगे, पहला हो गया प्रोसोडिक फीचर, दूसरा हो गया आर्टिसिस। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आर्टिसिस को करने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ये सब मैं यहाँ बता चुका हूँ। जंप अप टू द थर्ड क्वेश्चन, कौन सा थर्ड क्वेश्चन कंफर्म पेपर होगा, दैट इज शॉर्ट नोट्स। हर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स ऑन टिप करने हैं। That you guys need to clear short notes first of all. ना तो आप सॉरी फीचर समझेंगे, ना तो आप आर्टिस्ट बताएंगे, सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स पे काम करेंगे। जिसको शॉर्ट नोट्स आता है ना, वो हर चीज ऑन टिप कर लेता है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग विल फॉल ऑन देयर प्लेस ऑटोमेटिकली। कुछ गलत नहीं है, दैट्स ट्रू। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स पे काम करो, जहां शॉर्ट नोट्स पे ग्रिप अच्छी है आप लोगों की, जहां आपने शॉर्ट नोट्स को क्लियर कर लिया, आपको पता है बैलेट क्या है, स्टाइल क्या होता है, सोनेट क्या होता है, एलिगी क्या है, उसको कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कोरस क्या है, एक पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है द टाइम ऑफ राइटिंग, एक फुट और फीट का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज अ मीटर, टाइप्स ऑफ मीटर, आयमिक पेंटामीटर क्या है, सर ये सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं। जब हमें ये शॉर्ट नोट्स ऑन टिप होते हैं तो हम चीजों बड़े आराम से समझ पाते हैं। तो ये हो गए तीन क्वेश्चन, लुक एट, मैंने सारी चीजें बड़ी डिटेल में बताई। अभी मेरी पिच भी कोई ज्यादा तेज नहीं, मैं बड़े आराम से चल रहा हूं, आई होप आप लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, आपने का फर्स्ट हो गया, फोर्थ वन दैट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पॉम्स। अलग अलग पोएट्री की क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है, आई रिपीट, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पॉम्स। अब यहां पे जब मैंने बोला था कि ब्लॉक वाइज पढ़ना है, जिसमें आप क्या करेंगे स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री को क्लियर करेंगे, वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही थी। तो आपने कहा फोर्थ पॉइंट क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये आपको ऑन टिप होनी चाहिए। व्हाट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन, एक पॉइंट ऑफ व्यू किसी पोएट्री को लेके, आप उस पोएट्री को क्या करते हो, अब एक पोएट्री को गो थ्रू क्या होगा, एल पेंसेरो, एल पेंसेरो सर द वर्क ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन, चलो सर दूसरी पोएट्री लेते हैं, द एनिवर्सरी बाय जॉन डॉन, चलो कम टू अनदर पोएट्री, द पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, शाहिद आगा शाहिद अली। आपने इन सब पोएट्रीज को पढ़ के इनके पीछे पोएट का क्या प्रोस्पेक्टिव है, वो क्या सोच रहे, उसको क्लियर करना। वी गाइस नीड टू क्लियर दैट कॉन्सेप्ट,
दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. मतलब मैं इसी पोएट्री को पढ़ते हुए ये सारी चीज सोचता हूं. व्हेन आई थिंक अबाउट ऑल दिस पर्सपेक्टिव्स आई बी एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट बड़े आराम से क्लियर होते हैं, मैं चीजों समझ पाता हूं. यही जरूरी है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइस मस्ट गो फॉर. आई होप यहां तक ये चार के चार पॉइंट्स क्लियर हुए. जंप अप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएट्स. नाउ सर बिग क्वेश्चन, कौन कौन से पोएट्स को पढ़ना है? मतलब मैं शेक्सपियर को पढ़ू कि उसके हॉली सोनेट्स पे, मैं जॉन डॉन को पढ़ू, जॉन मॉवल को पढ़ू, एंड्रू मॉवल को पढ़ू, या मैं सर विलियम वर्ड्स को पढ़ू, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड उसका है, एस टी कॉलेज सर डायमेंशन मैंने ना वो आई विन गो फॉर ब्रॉनिंग. नो सर मेरे को कीट्स को पढ़ना है, आई नीड टू रीड सरोजिनी नायडू, या मैं बोलूँ सर मुझे दारूगोला को पढ़ना है. यस दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पोएट्स जिनको हमें ऑन टिप कर लेना है. When we guys go for these analysis, इन characters को पढ़ते हैं, actually ना ये सब linked है. Look at here, these two are linked with this. जो student ये सोचते हैं कि हम poetry को analyze नहीं कर पाते, हम poetry को identify नहीं कर पाते, हम poetry को recognize नहीं कर पाते, अगर वो तीन topics, these two and this, कह लेते हैं ये वाला point जो ना ये automatically clear हो जाता है. फिर आपको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल नहीं, एक बहुत इजी काम लगता है, लाइक गेटिंग क्रीम फ्रॉम अ कप. क्यों? क्योंकि आप उनके कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, आप उनका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझ चुके हो, क्यों क्या पोएट्री लिखते हैं, किन चीजों को हाईलाइट करते हैं. एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी द मास्टर ऑफ पोएट्री सेक्शन. दिस व्हाट आई ऑलवेज से कि यार अगर आप बेसिक्स का ध्यान रखते हो तो चीजें आराम से होती हैं. अगेन द सेम, टेक योर स्मॉल थिंग्स अ बिग थिंग, फॉल ऑन देयर प्लेस. तो स्मॉल थिंग्स, जस्ट दीज आर स्मॉल थिंग्स. तो आपने कहा हमने क्वेश्चंस लिए अगले प्रोसोरी फीचर आर्टिसिस शॉर्ट नोट्स क्रिटिकल एप्रिशन ऑफ पॉम्स एंड देन क्रिटिकल एप्रिशन ऑफ पोएट्स. कम अप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज वी हैव टू लुक एट, यू गाइस नीड टू लुक एट टू थिंग्स सीरियसली, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि सिक्स, रोमेंटिक और विक्टोरियन पोएट्रीज. 7, American poets. 8, Indian poetry. इन तीन सेगमेंट्स पे अच्छे से काम कर लेना. मे बी रोमांटिक और विक्टोरियन में डिस्टिंग्विश है, मे बी अमेरिकन पोएट्स से कुछ क्वेश्चन किया जाए, उस इरा को पूछा जाए उस इरा में क्या स्पेशलिटी थी उसको हाईलाइट किया गया. इंडियन पोएट्स लोग घोड़ के बीचारे कन्फर्म पेपर में होगा. आपने कहा ये किसके लिए? ये होते हैं ऐसे राइट क्वेश्चंस के लिए. यस दिस इज ऑल फॉर द ऐसे राइट क्वेश्चंस दैट यू गाइस नीड टू प्रिपेयर. आपने कहा सर ये तो अगर हम कर लें तो 100% श्योरिटी कि हम पेपर के लिए कर लें. लिख लो, साइन मैं कर दूंगा. अगर ये आपको टिप है तो पेपर कहीं से भी आता है, यू नो द आंसर्स. चलो अब दो तीन चीजें क्लियर करते हैं. जैसे कि अचीवमेंट्स ऑफ न्यू इंग्लिश ब्राह्मण्स, एक क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिया. अचीवमेंट्स ऑफ न्यू इंग्लिश ब्राह्मण्स, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. आपने कहा यहाँ पे क्या है, किन कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया, वो मेन क्वेश्चन में आता है. ये आ गया ऐसे टाइप क्वेश्चन, थोड़ा लीक से हटके हो गया. न्यू इंग्लिश ब्राह्मण्स के बोला गया, अचीवमेंट्स है उसको हाईलाइट किया गया. देन सर द अर्लियन पास्ट क्लासिकल पोएट्री, कमेंट ऑन अर्लियन पास्ट क्लासिकल पोएट्री को हाईलाइट किया गया. एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज द इरा ऑफ पोएट्री सेगमेंट्स, अलग अलग इरा को हाईलाइट करता है. ये वो सारे क्वेश्चन जो आपको ऑन टिप होने चाहिए. तो मैंने 11 बोल से 10 में मैंने वाइंड अप कर दिया. सगन का एक मैंने आपकी जेब में रख दिया, तो एक का सिक्का खुला दिया, 10 के नोट पर काम कर दिया आपका. दिस वॉट यू गाइस नीड टू प्रिपेयर. If you think it's worth to watch, like, share, subscribe the channel. And if you're interested to get the notes, feature number diya gaya, you can get the notes. Notes are not free, guys. You have to pay for the notes. Then you'll get the notes on your email ID. Till then, keep watching. Haan, agar koi video samajh nahi aati, koi topic samajh nahi aata, aur aap chahte hain ki video uske upar,
कमेंट इन कमेंट बॉक्स. बाय गाइस.